हाय हेलो। तो आज का हमारा न्यू सेशन विद टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशन। और इस सेशन के अंदर हम दो छोटे से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एक तो ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट और सेकंड सॉइल एज अ रिजर्वायर ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। फर्स्ट ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट। मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ओके। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलोकेशन? ये हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ट्रांसलोकेट होना मतलब अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ओनली वॉटर नहीं, मिनरल आयंस, अपवर्ड मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी टूवर्ड्स अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। मतलब प्लांट के ऊपर के हिस्से की तरफ जो भी वॉटर के साथ मिनरल वगैरह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वॉटर अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे की डायरेक्शन से क्रिएट हो रही है, बट यहाँ वाटर की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन से हो रही है, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है? नॉर्मली वाटर का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, प्लस वाटर के साथ साथ और कुछ ट्रांसलोकेट हो रहे हैं जो कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स, आप इसे कह सकते हैं मिनरल एलिमेंट्स। Elements, mostly essential mineral elements translocate हो रहे हैं, जिसमें maybe macro, micro जो भी है वो translocate हो रहे हैं। तो यहाँ translocation के पहले definition आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से solute यहाँ transport हो रहे हैं। तो normally mineral salts are translocated from root to aerial part of plant, aerial मतलब uppermost part of plant with the help of, yes correct, in detail हमने last topic में देखा था, with the help of xylem, xylem trachytes, maybe xylem vessels हो सकते हैं, maybe gymnosperm, angiosperm, जो भी है, तो यहाँ translocation हो रहा है xylem के through। और यहाँ xylem कैसे साइंटिस्ट ने डायग्नोज किया कि xylem ही वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कर रहे हैं? मिनरल्स में सॉइल के मिनरल्स हो सकते हैं, सॉइल के नॉर्मल नेचुरल मिनरल्स भी हो सकते हैं, या जो भी आप फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रहे हो उस फर्टिलाइजर्स के भी मिनरल्स प्लांट वाटर के साथ ट्रांसलोकेट कर रहा है एरियल पार्ट ऑफ प्लांट की तरफ। तो साइंटिस्ट ने एक ही से डायग्नोज किया कि xylem ही वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो चलिए, इसका उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने xylem सेल्स को स्टडी किया, और xylem का sap मतलब xylem के अंदर का जो भी लिक्विड मटेरियल है वो उन्होंने स्टडी किया, और उन्हें पता चला कि इस xylem vessels या ट्रैके जो भी है उसके अंदर वाटर के साथ मिनरल्स भी दिखाई दे रहे हैं, एसेंशियल मिनरल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने ये कन्फर्मली कहा कि xylem प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू कंडक्ट द वाटर एज वेल एज मिनरल सोर्स। और यहाँ सोल्यूट जो कहा है वो सोल्यूट किसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है? मिनरल एलिमेंट्स, दैट इज अ मिनरल सॉल्ट्स के लिए। किसके लिए? मिनरल्स सॉल्ट्स। और ये किस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है खुद को, मतलब xylem वाटर को किस डायरेक्शन से कंडक्ट कर रहा है? ऑब्वियसली एरो निकाला है ascending, upward direction, that is ascending direction से। तो ये भी आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ascending direction से वो xylem वाटर और मिनरल सोर्स को कंडक्ट कर रहा है इन ascending direction। तो रेडियो आइसोटोप्स के थ्रू भी उन्होंने ये डायग्नोज
डायग्नोस किया था। तो चलिए डिस्कवरी की थी, ये छोटा सा पॉइंट था। तो चलिए कौन किस डायरेक्शन से किस तरह से वो कंडक्ट कर रहा है एक्सेट्रा। नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट, सॉइल एज अ रिजर्वायर ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। सॉइल में बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक तो आप वहाँ उसे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करके मिनरल न्यूट्रिएंट्स बना रहे हो, बट नेचुरल तरीके से सॉइल में बहुत ज़्यादा मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेचुरली बहुत ज़्यादा मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल में प्रेजेंट है, और वो जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल रॉक्स जो है तो उस रॉक्स को तोड़ के ब्रेकडाउन करके या विदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक का विदरिंग होने के बाद, रॉक्स के विदरिंग के बाद जो भी सॉइल बनी है उस सॉइल वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ इवोल्यूशन सक्सेशन प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी हो सक्सेशन, वहाँ लाइकेन मोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, जो कि विदरिंग और रॉक्स को विदरिंग कर रहे थे, रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट कर रहे थे। कैसे? तो चलिए ये रॉक है, रॉक के ऊपर ये मोसेस ग्रो हो चुके हैं, इसके जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये इसके अंदर जा चुके हैं, और ये जब भी रॉक्स में जाएंगे तो ये रॉक को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, डिस्ट्रो फोड़ देंगे। तो इस तरह से रॉक्स के रॉक्स का जो भी सक्सेशन हो रहा है सॉइल में, प्राइमरी सक्सेशन मोस्टली, तो ये कर रहा है। तो प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो न्यूट्रिशन का काम कर रहे हैं। प्लांट्स के लिए जो भी मिनरल्स है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यस मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप। ये जो मिनरल इलेमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्लांट या क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। क्रॉप की यील्ड को क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं। क्रॉप यील्ड अगर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये मिनरल इलेमेंट्स उस प्लांट को न्यूट्रिशन दे रहे होंगे। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन ही दे रहे होंगे, तब भी तो वो खुद का यील्ड इंक्रीज कर रहे हैं। हेंस दीज मिनरल इलेमेंट्स आर कॉल्ड एज मिनरल न्यूट्रिशन, जो इस टॉपिक का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। आप फर्टिलाइजर्स के थ्रू भी सॉइल का जो भी टेक्सचर है या सॉइल की जो क्वांटिटी क्वालिटी है वो इंक्रीज कर रहे हो फर्टिलाइजर्स के थ्रू आप मैक्रो एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई कर रहे हो, दैट इज एनपीके तो सभी को पता है, उसके साथ यस भी और भी कुछ सारे होते हैं, देन कैल्शियम, जिंक, एमएन, आयरन एक्सेट्रा। तो ये भी क्या कर रहे हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। तो चलिए सॉइल एज अ रिजर्वायर का मतलब है कि स्टॉक रिजर्वायर है, मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कहां दिखाई दे रहे हैं, सॉइल के अंदर आप प्रोवाइड कर रहे हो इसकी वजह से नहीं, वो नेचुरली सॉइल में प्रेजेंट है। पहले सॉइल बहुत ही फर्टाइल थी, बट नाउडेज वो स्टराइल बनती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स जो है वो माइक्रोब्स सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे हैं। बट कुछ ऐसे माइक्रोब्स है जो बहुत सारे ऐसे यूजफुल माइक्रोब्स है जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू किल हो रहे हैं, और उसकी वजह से प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो रहा है, और नाइट्रोजन न मिलने की वजह से प्लांट की यील्ड कम हो रही है, बहुत सारे रीजन। तो सॉइल में सॉइल एक ऐसा रिजर्वायर है जहाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का ये रिजर्वायर है, जो कि कहाँ भी प्रेजेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा ये सॉइल के अंदर आपको दिखाई देते हैं।
उसके साथ साथ अदर माइक्रोब्स जो है, अदर माइक्रोब्स जो है वो सॉइल में वाटर होल्ड कर रहे हैं, वाटर होल्ड कर रहे हैं। उसके साथ साथ एयर को सप्लाई कर रहे हैं और एक्ट एज अ मैट्रिक्स का भी फंक्शन रोल प्ले कर रहे हैं, टू होल्ड द वाटर को होल्ड कर रहे हैं। देन ये एयर को सप्लाई कर रहे हैं, एयर को सप्लाई कर रही हैं प्लस एक्ट एज अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए सॉइल एज अ रिजर्वर ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, क्यों इसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहा गया है? एक्चुअली मिनरल एलिमेंट्स है बट न्यूट्रिएंट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सॉइल में प्रेजेंट है और ये प्लांट और क्रॉप की यील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी वजह से इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला एलिमेंट बोला जाता है, इट्स कॉल्ड एज अ मिनरल न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन। और ये फर्टिलाइजर्स से भी आप इसे प्रोवाइड कर रहे हो नाउअडेज, मैक्रो एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नाम लिखे हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का रिजर्वायर है सॉइल, उसके साथ साथ अदर माइक्रोब जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करके रख रहे हैं प्लस एयर सप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये मैट्रिक्स के हिसाब से भी सॉइल में एक्ट हो रहे हैं। तो चलिए ये था आज का हमारा छोटा सा पॉइंट, दैट इज अ ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट एज वेल एज सॉइल एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। इसके बाद इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, दो पॉइंट्स, नाइट्रोजन साइकिल एज वेल एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ। चलिए तो लेते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ नाइट्रोजन साइकिल।